विजय रथ यात्रा के दौरान जनपद मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव जनता की भीड़ को देख गदगद हो गए। उन्होंने विजय रथ से संबोधित करते हुए जनता से कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। बीजेपी सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो अपराधी किस्म के हैं। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई मुकदमे लगे हुए हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सारे मुकदमों को खत्म किया। ऐसा कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो इन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मनवाया है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से ज्यादा, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अनुपयोगी मुख्यमंत्री को हटाने का काम करेंगे। अखिलेश जी, आप रथ यात्रा का जिक्र कर रहे थे, उस वो कार्यक्रम हुआ, बार बार कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, जो भाजपा के अलग अलग फोर्स वो आ रहे हैं, एक तरफ आप है, गठबंधन के छोटे छोटे दल है, कैसे देख रहे हैं इस पूरी तैयारी को? उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, जैसे जैसे जनता और बाहर सड़कों पे आएगी, भारतीय जनता पार्टी घबरा करके पूरे देश के मुख्यमंत्री, पूरे देश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भेजेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।